गवर्नर, आज का प्रेफर्ड ट्रेड? ग्रीटिंग्स आप सभी को भी, हम सभी को ग्रीटिंग्स हैं। सेंटा तो स्टूडियो में आ गया लेकिन मार्केट रैली में नहीं आया। लेट्स सी, अब शायद एक दिन और ही बाकी है। स्टॉक जो मैंने चुना है वो है शॉर्टिंग आइडिया टुडे, और वो है एचयूएल, मेन लाइन एचयूएल इंडेक्स बेस। इसका चार्ट स्ट्रक्चर के हिसाब से लगता है थोड़ा फटीक नजर आता है ऑन द अपर रीजंस, और कल थोड़ी गिरावट भी देखी। ट्रेड करा है एचयूएल करीब 2642 पर, स्टॉप होना चाहिए 2660। यस, 2660 का स्टॉप लगाकर चले, 2642 पे है, पॉसिबिलिटी है एक स्लाइड हो यहाँ पर। अगर ऐसा कुछ होता है तो 2600 भी पॉसिबल है। एचयूएल शॉर्ट। ओके, एचयूएल में बिगवाली करने का कॉल। चार्ट्स में गाबा सर कह रहे हैं फटीग नजर आता है, प्रेशर माउंट हो सकता है। अमित सेठ साहब, गुड मॉर्निंग। सेठ साहब, आज का प्रेफर्ड ट्रेड, आज का टॉप कॉल कौन सा? गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग वीरेन जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आशीष जी, मुझे आइशर मोटर का चार्ट वीक लग रहा है। आइशर मोटर का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसने अपना लास्ट स्विंग लो भी ब्रेक किया है। स्टॉक मुझे लगता है जिस हिसाब से इसमें प्रेशर है और कल जिस हिसाब से हुआ है एडिशन हुआ है, प्रोबेबली ये 200 एमा की तरफ जा रहा है। दिस स्टॉक इज हेडिंग फॉर दैट। तो फ्यूचर्स में इसका प्राइस 3220 रुपए का है, इसे सेल करें फॉर अ टारगेट ऑफ 3140, और स्टॉप लॉस मेरा लगभग रहेगा 3260 रुपए का। आयशर मोटर्स, याद रखिएगा ऑटो स्पेस में जो स्टॉक कल कुछ क्रिटिकल एवरेजेस को वॉलेट कर रहा था और जहां शॉर्टिंग सबसे ज्यादा थी उसमें से आपका आयशर मोटर्स भी शामिल था। राजेश पालवे जी, गुड मॉर्निंग, आपका कन्विक्शन कॉल आज के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो कन्विक्शन कॉल ट्रेड पे शॉर्ट साइड पे रहेगा, और उसमें ऑटोमोबाइल में हमें लगता है कि वीकनेस एक्सटेंड हो सकती है, तो यहाँ पे M&M फ्यूचर पे शॉर्ट करने की सलाह है। स्टॉक में देखें तो जो पिछले दिनों में एक सप्लाई देखने को मिला, अब स्टॉक अपने 50-100 डे नीचे, मूविंग एवरेज के नीचे फिसलते हुए दिख रहा है। कल के सेशन में जो ब्रेकडाउन हुए हमें लगता है ये एक्सटेंड होते हुए दिख सकते हैं। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं M&M फ्यूचर के लोअर साइड के टारगेट करीब 1200 से लेके 1190 तक के, स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1255 के आसपास। अच्छा।